वीडियो में हम जानेंगे आई सर्जरी में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंटों के बारे में। इसमें पहला रहेगा वायर स्पेकुलम, और इसका यूज हम करेंगे सर्जरी के दौरान आई लिड को खोले रखने के लिए, जिससे क्या होगा, सर्जन आसानी से आई को मैनिपुलेट कर सकता है और आसानी से सर्जरी कर पाएगा। दूसरा रहेगा साइड पोर्ट एंट्री ब्लेड, इसका यूज हम करेंगे स्मॉल वेल्वुलर कॉर्नियल इंसीजन देने के लिए, जैसा कि हम SICS और फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी में इनका यूज करते हैं। SICS रहेगा स्मॉल इंसीजन कैटरेक्ट सर्जरी। तीसरा रहेगा केरेटोम, और इसका यूज भी हम करेंगे वेल्वुलर कॉर्नियल इंसीजन और सेल्फ सीलिंग इंसीजन देने के लिए, इनका यूज भी हम SICS और फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी में यूज करते हैं। जो केराटोम होता है ये डायमंड शेप में रहेगा और साइडों से ये शार्प रहेगा और आगे से पॉइंटेड रहेगा। इंट नाइफ, इसका यूज हम टनल इंसीजन बनाने के लिए यूज करते हैं, स्क्लेरा और कॉर्निया में टनल इंसीजन बनाने में इस नाइफ का यूज करते हैं, और ये आगे से ब्लंट रहती है और साइड से ये शार्प रहती है। अगला रहेगा लिम्स फोरशेप, इसका यूज हम करेंगे कॉर्निया और स्क्लेरा एज को होल्ड करने के लिए। सुपीरियर रेक्टस होल्डिंग फोरशेप, सुपीरियर रेक्टस जो मसल्स रहती है उसको होल्ड करने के लिए इस हम फोरशेप का यूज करेंगे, और जब हम ब्रेडल सूचर लेते हैं तब भी इसका यूज करेंगे, और आईबॉल को स्टेबलाइज रखने के लिए भी सुपीरियर रेक्टस होल्डिंग फोरशेप का हम यूज करेंगे। अगला रहेगा कॉर्नियल सीजर, कॉर्नियल इंसीजन देने के लिए या फिर उसको इनलार्ज करने के लिए हम स्क्लेरा और ट्रबिकुलर टिश्यू है उसको कट करने के लिए कॉर्नियल सीजर का यूज करते हैं। अगला रहेगा बाना सीजर, इसका यूज हम करेंगे आयरिडेक्टोमी करते हैं आयरिस की, तो उसमें इसका यूज करेंगे कट करने के लिए। नीडल होल्डिंग फोरसेप, नीडल होल्डिंग फोरसेप का यूज करेंगे हम सूचर जब हम करते हैं तो नीडल को होल्ड करने के लिए इसका यूज करेंगे। इंट्राओकुलर लेंस डायलर, इसको हम कहेंगे IOL डायलर, इसका यूज करेंगे लेंस को प्रॉपर पोजीशन देने के लिए। रेक्सिस फोरसेप है, उससे होल्ड करके लेंस को अंदर डाल देते हैं एंटीरियर चेंबर के अंदर, और उसके बाद में जो इंट्राओकुलर लेंस डायलर रहता है तो उसकी मदद से हम लेंस को प्रॉपर पोजीशन में लाएंगे और फिक्स करेंगे। अगला रहेगा चोपर, चोपर एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, तो इसमें आगे की तरफ एक नाइफ सा बना रहता है, उसमें पॉइंट बना रहता है, जिससे हम जो न्यूक्लियस है उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं या उसको हम चॉप कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे, और इसका यूज हम मोस्टली करते हैं जो फेको सर्जरी करते हैं तो उसमें, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और फेको मशीन से उसको सक कर लिया जाता है और उसके बाद में लेंस डाल दिया जाता है। रहेगा वायर विक्टिस, इसका यूज हम करेंगे हमारा जो लेंस है उसको निकालने में, या जो न्यूक्लियस रहता है पहले का जो लेंस रहता है उसको रिमूव करने के लिए वायर वेक्टिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। आयरिस रिपोजिटर, इसका यूज हम करेंगे आयरिस को रिपोजिट करने के लिए, वो अपने स्थान से इधर उधर खिसक जाती है, तो इसकी मदद से हम आयरिस को अपनी पोजीशन में रिपोजिट कर पाएंगे इंट्राओकुलर सर्जरी के अंदर। कैनुला, इसका यूज हम करेंगे SICS स्मॉल इंसीजन कैटरेक्ट सर्जरी में इरीगेशन करने के लिए और एस्पिरेशन करने के लिए और सक्शन करने के लिए। इसको हम जो हमारा BSS सॉल्यूशन रहता है तो उससे अटैच कर देते हैं, जिससे कि हम आई को अच्छे से हम इरिगेट कर सके और उसको एस्पिरेट कर सके। IOL होल्डिंग फोरसेप, इंट्राओकुलर लेंस फोरसेप, तो इसकी मदद से हम जो है तो उसको होल्ड करके अंदर इम्प्लांट कर सकते हैं बोन पंच। इसका यूज हम करेंगे DCR सर्जरी में बोन को पंच करने के लिए, जो ओपनिंग मार्जिन रहती है तो उसको और बढ़ाने के लिए बोन पंच की मदद से हम उसको ओपनिंग को बढ़ा सकते हैं, और इसका यूज हम DCR सर्जरी में करते हैं। लेक्राइमल सेक डिसेप्टर और क्यूरेट, तो इसका यूज हम करेंगे जो हमारी लेक्राइमल सेक रहती है उसको डिसेक्ट करने के लिए और क्यूरेट करने के लिए। इंजेक्टर, इसका यूज हम करेंगे फोल्डेबल लेंस को इंजेक्ट करने के लिए, जो हम फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी करते हैं तो इसकी मदद से हम लेंस को इंजेक्टर में रख के और एंटीरियर चेंबर में इंजेक्ट कर देंगे।